IPL 2019 सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बने सैम कुरेन। मोहाली में खेले गए मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली को 14 रन से हराकर IPL के 12वें सीजन में तीसरा मैच जीत लिया है। पंजाब की तरफ से सैम कुरेन ने घातक गेंदबाजी की और 2.2 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक शामिल है। इसके अलावा आर अश्विन और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। दिल्ली को पहले ही गेंद पर झटका लगा और पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद धवन और अय्यर ने मिलकर दिल्ली की पारी संभाला और सधी हुई बल्लेबाजी की बदौलत 7 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की। इसके बाद श्रेयस अय्यर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। उन्होंने 22 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाए और हार्डस्विल जोन के शिकार बने। दिल्ली को 17वें ओवर में बड़ा झटका लगा। शानदार लय में नजर आ रहे पंत 39 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में पंत ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके तुरंत बाद क्रिस मॉरिस भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। विकेट गिरने का सिलसिला आगे भी जारी रहा और कॉलिन एनग्राम 37 रन बनाकर 18वें ओवर में सैम कुरेन के शिकार बने। इनके बाद हर्षल पटेल बिना खाता खोले ही वापस लौट गए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर। हनुमा विहारी भी 0-2 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 167 रनों का टारगेट रखा है। पंजाब की तरफ से डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। उनके अलावा सरफराज खान ने 39 रनों की पारी खेली। पंजाब की पारी पारी के साथ ही शुरू हुआ पंजाब की विकेटों के गिरने का सिलसिला अंत तक जारी रहा। टीम को दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल के रूप में पहला झटका लगा। राहुल 15 रन बनाकर क्रिस मॉरिस के शिकार बने। इससे पहले कि पहले विकेट से पंजाब की टीम उभरती, दूसरे बल्लेबाज सैम कुरेन भी 20 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 गेंद में 20 रन बनाए। संदीप लामिछाने ने उन्हें LBW आउट किया। 39 रन बनाकर सरफराज आउट। पारी के 8वें ओवर में पंजाब को तीसरा झटका लगा जब मयंक अग्रवाल को शिखर धवन ने रन आउट किया। टीम का स्कोर 58 रन था जब मयंक आउट हुए। उन्होंने 9 गेंद खेलकर 6 रन बनाए। इसके बाद शानदार लय में नजर आ रहे सरफराज खान 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन लौट गए। वो 29 गेंदों पर 39 रन बनाकर हो गए। 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने अपनी ही गेंद पर खेले गए शॉट पर डेविड मिलर का कैच छोड़ा। डेविड मिलर ने 30 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली और 17वें ओवर में क्रिस मॉरिस की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। 43 रन की पारी में मिलर ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्डस्विल जोन 1 रन बनाकर आउट हुए। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान अश्विन 3 रन बनाकर आउट हो गए। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मुरुगन अश्विन भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेटों के गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका और अंतिम ओवर की 4थी गेंद पर मोहम्मद शमी बिना खाता खोले रबाडा के शिकार हुए। पंजाब की तरफ से मनदीप सिंह ने आखिर की 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाकर पारी को 166 रन तक पहुंचाया। वो 29 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली के लिए क्रिस मॉरिस ने 3 सफलताएं अर्जित की। कगी सोराबांडा और संदीप लमिछाने ने 2-2 विकेट लिए। टीम दिल्ली, श्रेयस अय्यर, कप्तान शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, विकेट कीपर कॉलिन एनग्राम, क्रिस मॉरिस, हनुमा विहारी, संदीप लामिछाने, हर्षल पटेल, कगी सोराबांडा और आवेश खान। पंजाब रविचंद्रन अश्विन, कप्तान सैम कुरेन, लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, हार्डस्विल जोन, मोहम्मद शमी, मुजीबुर रहमान, मुरुगन अश्विन।